सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग्लोरिया। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा डे और नाइट स्किन केयर वन ब्रांड स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं जिस प्रोडक्ट से मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ वो है पिलिग्रिम का विटामिन सी स्किन केयर रेंज है, जो मैंने रिसेंट परचेस किया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है यूज़ करके, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक बार शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना मेकअप जो है रिमूव कर लिया, वो पिलिग्रिम का मेकअप रिमूवर नहीं है, इसीलिए मैं जो यूज़ करती हूँ उसी को यूज़ किया है, उसे मैंने शो नहीं किया। और मैं आफ्टर मेकअप रिमूविंग मुझे करना था फेस वॉश, पर मैंने लिपस्टिक को रिमूव नहीं किया है, वो मैं फेस वॉश ही रिमूव करूँगी। और सबसे पहले मैंने फेस वॉश ले लिया है, और ये है काकादू प्लम और लेमन पील से बना हुआ फेस वॉश, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा स्लाइमी टेक्सचर है, आप देख ही सकते हो थोड़ा सा स्लाइमी है। बहुत ही बढ़िया फेस वॉश है, और एकदम जितना भी मतलब थोड़ा बहुत मेकअप था उसे भी रिमूव कर दिया, और लिपस्टिक तो एक बारी में निकल गई। और मैं इसे 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ पूरी रेंज को, तो स्किन मतलब मेरा जो स्किन था बहुत टैनिंग था, पिगमेंटेशन था, थोड़ा बहुत रिमूव भी हो गया है, टैनिंग का प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से रिमूव हो गया, स्किन ब्राइट होने लगा सिर्फ फेस वॉश को यूज़ करके। और आफ्टर फेस वॉशिंग ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता, मॉइस्चर रहता है, और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, मतलब मुझे प्यार हो गया है एकदम। आई लव दिस फेस वॉश। तो इस फेस वॉश को मैं 10 में से 8 मार्क्स ज़रूर दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। अब आ रही है टोनर की, तो टोनर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी तक बहुत सारे विटामिन सी टोनर यूज़ किया है बहुत सारे ब्रांड का, पर ये मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि इसे यूज़ करते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे फेस में एक नींबू निचोड़ लिया है, एकदम वैसे ही थोड़ा बहुत मतलब टिकलिंग सा फील होता है इसे यूज़ करते ही। इस टोनर को यूज़ करते ही इंस्टेंट स्किन में एक ग्लो, मॉइस्चराइज और डलनेस फ्री स्किन लगता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाता है स्किन, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको यूज़ करने में, एकदम फ्रेश फील होता है। उसके बाद बारी है जो पूरी विटामिन सी रेंज है, ये इसका जान ही है, ये विटामिन सी सीरम, जो कि मुझे इतना बढ़िया लगा गाइस। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा वाटरी भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, मीडियम में है, और स्किन में एक फर्स्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन में जाते ही एकदम आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन दे देता है, बहुत अच्छा ग्लो लाता है, और इंस्टेंट स्किन 2-3 शेड ज़्यादा ब्राइट लगने लगता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने विटामिन सी सीरम भी बहुत सारा ब्रांड का यूज़ किया है, पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इसीलिए क्योंकि मैं इसे 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ पूरी रेंज को, और मुझे लगा जो फ़र्क मुझे लगा कि आप मेरे पहले वीडियोस को देखना और इस वाले वीडियो को देखना, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा चेंज लगेगा आपको, क्योंकि 2 हफ्ते में मेरी पिगमेंटेशन कहिए और डार्क स्पॉट टैनिंग बहुत हल्का हो गया है। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला सीरम, और सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे ये वाला मॉइस्चराइज़र, जो कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, इसे लगाते ही मेरी स्किन बिल्कुल चिपचिप नहीं करती है, इंस्टेंट स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, और स्किन मतलब लगता है मैंने अभी अभी सलोन से फेशियल करके आई हूँ, इतना ज़्यादा बढ़िया लगा। और इसकी पूरी रेंज में सबसे बढ़िया लगा इसका जो स्मेल है, और दिन में मैं इन सब के साथ सिर्फ एक सनस्क्रीन ऐड कर लेती हूँ और हो जाता है कंप्लीट मेरा डे स्किन केयर रूटीन। और लिप्स के लिए मैं हमेशा ये वाला लिप स्लिपिंग मास्क मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ ख़त्म होता है मेरा स्किन केयर रूटीन, और जो कि मैं अभी फॉलो कर रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।
थैंक यू।